तो मैं आ गई हूँ नहा के फ्रेश, बिल्कुल रेडी शेडी होकर आपके सामने आ गई। और ये देखिए कितने सारे कपड़े धोए मैंने, इसको यहीं पे रख दिया, ये सारा पानी नीचे गिर जाएगा तब मैं पूरे रैली पे डाल दूँगी। और बस सुबह 6:30 बज गए, पक्का 6:30 बज गए। 6:15 बजे मैं नहा के निकल गई थी, फिर 15 मिनट थोड़ा सा तैयार होने में भी लगा। और अब जा रही हूँ, सुबह सुबह क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मेरे कन्हैया को दूध दूंगी, अपनी चाय बनाऊंगी, तेजस्वी शिविर की ईश्वर का दूध निकाल कर रख दूंगी। और बनानी है भिंडी, तो भिंडी जो है ना मैं धोकर ले जाऊंगी, चाय पीते पीते भिंडी भी काट लूंगी। भिंडी, चावल और रात की दाल है तो रात की दाल में तड़का लगा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। आराम आराम है हराम, हम वाइफों के लिए ना आराम हराम है। हराम इसलिए है कि अगर हम लोग बैठ गए तब क्या होगा, बैंड बजेगी, जो हम लोगों की बैंड बजाते हैं ना उन लोगों की बैंड बज जाएगी। देखिए आज मैंने सीधे मांग में सिंदूर डाला है। कहते हैं जिसका जिसकी मांग सीधी होती है ना उसका पति सीधा होता है, लेकिन जिसकी मांग सीधी नहीं होती है उसका पति सीधा नहीं होता है। मुझे तो जबरदस्ती सीधी करनी पड़ती है मेरे मांग को, अकंगी की हो ना तब सीधी है, और अगर खोल लूंगी फिर इस साइड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो निशानी है मेरा पति, मेरे प्राणनाथ, एक नंबर। तो पहले फिर से दूध निकाल लेते हैं, भिंडी निकाल लेते हैं, फिर करते हैं शुरुआत, कार्य का आरंभ। मैं तुमको स्टैंड सिखाता हूँ ना। महारानी की जय हो। सेवक खाजी दोनों मिल गया बिस्किट। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज की, मैं कैसे बनाती हूँ। एक्चुअली भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। तो सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल में मैंने डाला है हरी मिर्च और प्याज। इसमें जीरा और कोई फ़ौरन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भिंडी में, सिर्फ हरी मिर्च और प्याज ही काफ़ी है। तो भिंडी को मैंने अच्छी तरह से धो के काटा था और काटने के बाद मैं बना रही हूँ।
और भिंडी को ना ढककर नहीं पकाना होता है। अगर आप इस स्टेज में भिंडी डालते ही ढक देंगे ना तो भिंडी चिपचिपी टाइप की बन जाएगी, इसका जो स्टार्च निकलेगा ना वो पूरी भिंडी ख़राब कर देता है, भिंडी का टेस्ट ही ख़राब कर देता है। तो उधर मैं मीडियम फ्लेम पर भिंडी भूनती जाऊँगी और इधर मैं दाल में भी तड़का लगा रही हूँ। तो बस दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने राई डाला है, लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज है बारीक कटा हुआ। तो मसूर की दाल में राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने कभी राई डाल के तड़का नहीं लगाया है ना तो लगा कर देखना, राई और लहसुन दो ही चीज़ बस, प्याज भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा मन किया प्याज डालने का, और प्याज को ना अच्छी तरह से डार्क ब्राउन करके ही दाल में तड़का लगाइए, तभी इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़कर आएगा, आई मीन दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगा। तो ये रात की दाल थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उसी में मैंने तड़का लगाया है। और चावल मैं बना चुकी हूँ और इधर देख सकते हैं कि सब्ज़ी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है, मतलब इसका जो भी स्टार्च होता है ना वो सभी ख़त्म हो गया है। अब मैं इस स्टेज में डालूँगी नमक टेस्ट के अनुसार और हल्दी और हल्का सा गर्म मसाला, बस और मसाले नहीं डालने हैं। भुजिया है, भुजिया में मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हल्का हल्का मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ हल्दी और गरम मसाला डाला है और उसके बाद मैं 2 मिनट उसको ढककर पकाऊंगी। वैसे भिंडी पक चुकी है लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट ढक दूंगी। तो देखिए भिंडी पूरी तरह से कुरकुरी सी रेडी है और सारा नाश्ता तैयार है। तो अब मैं इधर बर्तन भी साफ़ कर ले रही हूँ, धीरे धीरे सभी बर्तन धो के रख दूँगी। मेरे में एक ख़राब आदत यह है कि मुझसे बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। देखिए मैंने मॉर्निंग में थोड़े से बर्तन साफ़ किए थे, उसके बावजूद इतने बर्तन हो गए, 2-3 मतलब हो ही जाते हैं मुझसे बर्तन, बहुत जूठे होते हैं। मैं खुद परेशान रहती हूँ अपनी आदत से। तो बर्तन वगैरह साफ़ हो गया और अच्छी तरह से हैंड वॉश करने के बाद अब मैं जाऊँगी कन्हैया के पास। उनके जो भी बर्तन थे मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था। तो मैं आ गई हूँ मेरे कन्हैया के पास, अब मैं जा रही हूँ कान्हा को नहलाने। तो चावल दाल और सब्जी बन गई है, वो हस्बैंड खा के जाएंगे क्लिनिक। रोटी पराठे में बाद में बनाऊँगी 9 बजे, अभी तेजस नीचे पढ़ रहा है और यशवीर को जा रहे उसके पापा नहलाने के लिए। तो मैं तब तक मेरे पास टाइम है तो मैं मेरे कान्हा को नहला देती हूँ और इनको भूख लगा देती हूँ। मिट्टी भरी देंगे, देखिए आज ये घर से ड्यूटी करेंगे। क्यों आज क्लिनिक नहीं ना जाओगे? तो सबको नाश्ता करवा चुकी, कान्हा को भोग लगा चुकी हूँ, सभी नाश्ता कर चुके हैं, 10 बज गए और अब मेरी बैटरी लो हो गई है, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर आटे वाला कंटेनर धोना है। खाली हो गया आटा, 1 बोरी आटा लाकर रख दिए हैं। तो आटे का कंटेनर धोना है, कपड़े पसारना है, सोफे का कवर अभी मैं बेड से निकाली नहीं हूँ, वैसे ही पड़ा हुआ है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो बेडशीट मैं शाम को चेंज करूँगी, शाम को बिस्तर ठीक करना होगा ना, उसी समय मैं चेंज करूँगी। तो अब मैं थोड़ी चार्ज हो जाऊँ, मतलब थोड़ी देर आराम कर लेती, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी ना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी अपना वीडियो, है ना बेटे जी? और आप पढ़ाई कब करोगे? अच्छा 13 का टेबल सुनाओ, चलो 13 बन जाता है, सही से सुनाओ। 13 बन जाता है, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39। आराम, मेरी ये भी गिरा, एक एक करके सभी गिर जाएंगे। आंधी आएगी बहुत तेज और कपड़े सब, अच्छा मैंने पसारा नहीं तो गिर जाता, सबके सब गिर जाता, गीले कपड़े हैं, क्या करूं। बहुत तेज आंधी है, मैं दिखाती हूँ आपको। इतनी तेज आंधी आई है, अब इसमें उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, सब कपड़े उड़ गए। मैं क्या करूं, कैसे संभालूं सभी कपड़ों को, कैसे
थे इन सबको, कोई जगह भी दी है ना रखने के लिए। कुर्सी पे ही रख देती, क्या करूँगी, लास्ट ऑप्शन तो यही है, कुर्सी पे ही रखना है। इसी आंधी तूफान की वजह से मैं कपड़े नहीं धो रही थी, और आज देखिए थोड़ा मौसम ठीक है तो फिर शुरू हो गया। अब इतने सारे कपड़े कहाँ पुसारूँगी, जगह नहीं है। ओ देखिए मेरा, गाड़ी ढकने का कोई फायदा है बेटा जी, उड़ ही जाएगा। हाँ, इसको ट्राइपॉड में लगाते फिर उसके बाद सारे कपड़े सेट करते। इस आंधी तूफान ने ना सारा काम बिगाड़ दिया। इतनी मेहनत करके सवेरे उठ के ढेर सारे कपड़े धोए, इतनी सवेरे मैंने आज पोछा नहीं लगाया, इसके चक्कर में मेरे कान्हा लेट हो गए नहाने में, जो कि उनको जल्दी ही नहा देते, और धोई बेचारे आंधी तूफान ने आके बस काम खराब कर दिया। अब सूखेगा, ये बारिश भी होने लग गई है। तो गाइज मैं मेरे ब्लॉग को ना यहीं पे स्टॉप करूँगी और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूँगी, दिखाऊँगी कि आंधी तूफान में मुझे क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं कपड़े को पसारने के लिए, मतलब सुखाने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मैं पसंद आती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम में देख रहे हो तो पक्का आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बस मेरी सिंपल सी लाइफस्टाइल है, मैं गांव में रहती हूँ, बिहार में रहती हूँ, और मेरी सिंपल लाइफस्टाइल है, सिंपल सी मैं हूँ। ज़्यादा आपको शो ऑफ मेरी वीडियो में नहीं दिखेगा, और बस यही है मैं और मेरा चैनल, सिंपल सा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। सभी अपने घर में रहिए जब तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं लॉकडाउन खत्म हो गया है, तब तक आप अपने घर में रहिए, अपने को सेफ रखिए, फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मैं तो बिना फैमिली के ही इंजॉय करती हूँ, कि हस्बैंड घर में रहते नहीं हैं, बच्चे नीचे चले जाते हैं, मैं अकेली मस्त रहती हूँ, मैं अकेले खुश रहती हूँ। अकेले खुश रहना भी एक कला है ना। चलिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बाय, लव यू ऑल।